हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अस्थमा के बारे में। यह क्या होता है, यह कैसे होता है, इसका सिम्टम्स क्या है और इसका होम्योपैथिक में इलाज क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि अस्थमा जो क्या होता है। अस्थमा को हिंदी में दमा कहते हैं। यह एक रेस्पिरेटरी डिजीज होता है। इसमें जो है आपकी सांस की नली में स्वेलिंग आ जाती है और काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है। तो दोस्तों, अस्थमा में जो है आपके सांस की नली में रुकावट पैदा हो जाती है, जिससे कि लंग्स में न तो ठीक से हवा जा पाती है और न तो ठीक से हवा आ पाती है। इसलिए यह अस्थमा किसी भी उम्र में हो सकता है। दोस्तों, अस्थमा जो है एलर्जिक या नॉन एलर्जिक दोनों हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केस में यह एलर्जिक होता है। तो दोस्तों, अगर आपको एलर्जन से प्रॉब्लम है, जैसे पोलन हुआ या डस्ट हुआ, तो आपको एलर्जिक अस्थमा हो सकता है। नॉन एलर्जिक अस्थमा का कारण स्मोक भी हो सकता है या कोल्ड एयर भी हो सकता है। स्मोकिंग से नॉन एलर्जिक अस्थमा होने का चांस बहुत ही बढ़ जाता है। तो दोस्तों, अगर आप एलर्जन से अपने आप को बचा लेंगे तो आप अपने अस्थमा पर काबू पा सकते हैं, लेकिन अस्थमा को पूरी तरह से ठीक करने के लिए आपको इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, अगर आपको अस्थमा का सिम्टम जो है बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए, तो उसको हम अस्थमा अटैक बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सांस की नली बहुत सिकुड़ जाती है और हम ठीक से लंग तक हवा नहीं पहुँच पाती, जिसके कारण पेशेंट को बेचैनी बहुत बढ़ जाती है। दोस्तों, आइए समझते हैं कि अस्थमा का जो कारण क्या है। तो उसका पहला कारण है एलर्जी। दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि जितने भी अस्थमा के पेशेंट होते हैं, उनको एलर्जी होती है। और अगर आपको एलर्जिक रिनाइटिस है, तो आपको अस्थमा होने का चांस जो है बहुत ही बढ़ जाता है। दोस्तों, जो है इसका दूसरा कारण है जेनेटिक। अगर आपके माता पिता या नाना नानी या चाचा चाची, दादा दादी, किसी को भी अस्थमा का प्रॉब्लम है, तो आप भी इसके लपेट में आ सकते हैं। और तीसरा कारण है स्मोकिंग। अगर आप स्मोक करते हैं, तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आपको अस्थमा होने का चांस जो है बहुत बढ़ जाता है। चौथा कारण है, अगर आपको एक्जिमा है, तो उसको आप ट्रीटमेंट कराइए, क्योंकि एक्जिमा के साथ में अगर है तो आपको अस्थमा हो जाएगा। और पांचवा कारण है एयर पोल्यूशन। आप जो है जहाँ रहते हैं, अगर वहाँ पर एयर पोल्यूशन ज़्यादा है, तो आप जो है अस्थमा के शिकार हो सकते हैं। तो दोस्तों, अब आइए समझते हैं कि अस्थमा का सिम्टम्स क्या है। अगर आपको अस्थमा है, तो आपको जो है कफ ज़्यादा बनेगा। आपके चेस्ट से सांस लेने के समय सीटी जैसा आवाज़ निकलेगा, जिसको हम मेडिकल भाषा में हुजिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सीने में भारीपन होता है और आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, आपको लंबा सांस लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप जो है अस्थमा से परेशान है, तो आपको जो है होम्योपैथिक दवाई कीजिए। होम्योपैथिक में इसकी बहुत अच्छी दवा है, जिससे आपका अस्थमा जो है पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अगर आप इनहेलर का यूज़ करते हैं, तो आप उसको यूज कर सकते हैं और साथ में होम्योपैथिक दवा भी खा सकते हैं, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों, अब मैं कुछ दवाइयाँ आपको बता रहा हूँ, जिसको आप ले सकते हैं। आपको सब दवाई नहीं देनी है, आपको सिर्फ वही दवाई देना है जिसका सिम्टम आपके अंदर है। और एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो भी दवा मैं डाइल्यूशन बताऊँगा, उसको आप बिना पानी के ऐसे मुँह में डाल लीजिए। और जो मदर टिंचर बताऊँगा, उसको जो है आधे कप पानी में डालकर पी सकते हैं। पहली दवाई है आर्सेनिक एल्बम 30। तो इसमें क्या है, इसका पेशेंट जो है माने सो नहीं सकता, लेट नहीं सकता, कि उसको उठ के बैठना ही पड़ता है। तो ये सिम्टम अगर है, और साथ में जो है मिड नाइट एग्रेवेशन है, कि आधी रात के बाद में आपका तकलीफ बढ़ गया। और जो है सबसे बड़ा सिम्टम है कि आर्सेनिक एल्बम के पेशेंट को एग्जिमा रहेगा या कोई स्किन प्रॉब्लम रहेगा, तो आप आर्सेनिक एल्बम 30 चार बूंद करके 3-3 घंटा पर लीजिए, तो आपको अस्थमा में तुरंत आराम मिलेगा और आपका ठीक हो जाएगा। अगली दवाई है स्पंजिया 30। इसमें आपको क्या रहेगा कि स्पंजिया 30 में सांस तो आपकी फूलेगी, साथ में ड्राई कफ रहेगा। ड्राई कफ जो है आप खांसते जो है यहाँ पर एक आवाज़ आने लगी, सब ड्राई हो जाएगा। ड्राई कफ एंड ड्राई एक पोर्शन जो है आपका ड्राई रहेगा, एक तरह से आवाज़ निकलेगी। और आपको जो है रात में सोए हुए हैं, अचानक रात में उठ के बैठ जाएंगे, सांस फूलने लगेगी, रात में उठ के बैठ जाएंगे, आप जो गर्म पानी पियेंगे तो थोड़ा आपको आराम मिलेगा। तो अगर ये सिम्टम है, तो आप स्पंजिया 30 चार बूंद करके जो है 3-3 घंटा पर लीजिए, आपको अस्थमा से आराम मिलेगा और आप जो पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे, आपको आराम मिल जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई है एंटीमटार्ट 30।
इसमें क्या होता है, सांस तो आपकी फूलती है लेकिन आपको इसमें चेस्ट में रैटलिंग रहेगा, घड़घड़ाहट रहेगी, ऐसा मालूम पड़ेगा कि चेस्ट जो है पूरा कप से भरती है, रैटलिंग साउंड रहेगा और ड्राउजीस रहेगा। तो आप इस सिम्टम पर जो है एंटीम टाइट 30 जो है चार चार बूंद करके 3-3 घंटे पर आप दे लीजिए, आपको आराम हो जाएगा और आपका अस्थमा ठीक भी हो जाएगा। तो दोस्तों इसकी अगली दवाई है ईपिका 30। तो ईपिका 30 एक ऐसी दवाई है, ये जो है ये बच्चों में दी जाती है, अगर बच्चा जो है खांसते नीला पड़ गया, सांस उसको लेने में दिक्कत हो रही है और खांसते जो उल्टी हो गई, तो ऐसे सिम्टम पर आप जो है ईपिका दीजिए, ईपिका 30 दीजिए बच्चों को। ये ईपिका जो है 2-2 बूंद करके जो है 3-3 घंटे पर उसके मुँह में डालते रहिए, उसको जो आराम मिल जाएगा और बच्चा एकदम ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसकी अगली दवाई है सम्बिकस नाइग्रा। ये भी जो है बच्चों में जब अस्थमा होता है, बच्चों को अटैक होता है, बच्चा रात में ठीक से सोया हुआ है, अचानक जो है स्पंजिया की तरह अचानक रात में उठ के बैठ गया और सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही है, तो जो स्पंजिया आप उसको सम्बिकस नाइग्रा 30 तो 2-2 बूंद करके दे दीजिए, आप 2-2 घंटे पर बच्चे को आराम हो जाएगा, बच्चा आपका फिर से आराम से सो जाएगा और उसका सांस की बीमारी जो है ठीक हो जाएगी। अगली दवाई है डर कैमरा। तो डर कैमरा जो है ये मौसम अगर डैम्प है तो आप जो है डर कैमरा 200 4 बूंद करके 3-3 घंटा पर दे दीजिए, आराम हो जाएगा। दोस्तों अगली दवाई है निट्रम सर्फ। तो निट्रम सर्फ अगर जो है डैम्प उधर में बच्चों को सांस की प्रॉब्लम होती है तो निट्रम सर्फ 30 जो है 4-4 बूंद करके बच्चों में दे दीजिए 3-3 घंटा पर, बच्चों को आराम हो जाएगा। डैम्प उधर में अगर बड़ों को होता है तो आप डर कैमरा 200 दीजिए, अगर डैम्प उधर में बच्चों को होता है तो आप निट्रम सर्फ 30 दीजिए बच्चों को, इससे आराम हो जाएगा। तो दोस्तों अगली दवाई है इसकी नेक्स्ट भूमिका सीडेंटरी लाइफ है, कुछ काम नहीं करना चाहता है, लेथर्जिक रहता है, एक्सरसाइज नहीं करता है, और विशेषकर अगर जो है आपका जो है अस्थमा जो है विंटर में बढ़ जाता है, ठंडी में गर्मी में ठीक रहता है और सब मौसम में ठीक रहता है, अगर विंटर में स्पेशली बढ़ जाता है तो आप नेक्स्ट भूमिका 200 4 बूंद करके सुबह शाम कुछ दिन दे दीजिए, तो आपका जो विंटर में जो अस्थमा बढ़ता है वो आपका ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों हमारी अगली दवाई है सरेगा। तो हमने बच्चों को जब सांस फूलती है दवाई बता दिया और जवानों को सांस फूलती है तो बता दिया, तो ओल्ड मैन कहाँ गए? तो ये दवाई सेनेगा जो है स्पेशली ओल्ड मैन के लिए है, जब उनको सांस ज़्यादा फूलने लगी और चेस्ट में बलगम ज़्यादा हो गया है और सांस फूलने लगी, तो उनको सेनेगा मदर टिंचर 10-10 बूंद करके 2-2 घंटा पर जो है देने से उनको आराम मिल जाएगा, उनका चेस्ट क्लियर हो जाएगा और वो अस्थमा से एकदम क्लियर हो जाएंगे। ये सब दवाई तो आपकी हो गई, इसको आपको सिम्टम के अनुसार लेना है, लेकिन जो हमारी और जो दवाई गोल्डन दवाई है, तो पहली दवाई है ब्लाटरा मदर टिंचर। ब्लाटरा मदर टिंचर में क्या है कि कैसा भी सांस फूले, किसी भी मौसम में सांस फूले, डैम्प हो चाहे विंटर हो चाहे जैसे भी हो, आपको ब्लाटरा मदर टिंचर 10-10 बूंद करके 2-2-3-3 घंटा पर जो है जैसा आपका प्रॉब्लम रहे वैसे लेते रहिए, आपका सांस आपका अस्थमा ठीक हो जाएगा। तो दूसरी गोल्डन दवाई है एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर। तो इसको तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जो है इससे आपको जो है लंग्स में मजबूती आएगी, सांस फूलते फूलते जो लंग्स एकदम थक जाता है तो उसको ऑक्सीजन पूरा मिलेगा और आपका लंग्स ठीक रहेगा। तो आपको एस्पिडोस्पर्मा और ब्लाटर मदर टिंचर तो आपको लेना ही है, बाकी दवाई आप अपने सिम्टम के अनुसार लीजिए, आपका ठीक हो जाएगा। तो ये सब कुछ दवाइयाँ हैं जिसको आप जो है अपने सिम्टम के अनुसार लेंगे तो आपको आपको आराम मिल जाएगा। आपको सब दवाई नहीं देनी है, आपको आपको वही दवाई देनी है जो आपका सिम्टम मिले, लेकिन ये दो दवाई जो लास्ट में बताएं ये तो आपको उसको लेनी ही पड़ेगी, जिससे इससे आपको आराम मिल जाएगा, आपको इन्हेलर या और कोई दवाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या प्रॉपर कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप हमको व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको तुरंत इसका जवाब दूंगा। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने एक नया चैनल खोला है वर्ल्ड ऑफ होम्योपैथी, उसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और तब तक मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।